नमस्कार, कैसे हैं आप? आज हम बताएंगे हाथों को ऐसे रगड़ दो, नतीजा आपके सामने। ये मच्छर भी बहुत तंग कर रहा। एक डायलॉग था ना, एक मच्छर आदमी को जी। प्यारे दर्शकों, आज हम जो बताने जा रहे हैं चमत्कार को नमस्कार शॉर्ट्स में, ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। इसका प्रयोग जो लोग कहते हैं कि मैं तंत्र को नहीं मानता हूं, मंत्र को नहीं मानता हूं, वेद को नहीं मानता हूं, तो शायद कहीं ना कहीं उनके संस्कार में कोई कमी रह गई, उनकी शिक्षा में कोई कमी रह गई। यही बालक बड़े होकर कहते हैं, मैं अपने मम्मी पापा को भी नहीं मानता हूं। पत्नियों की चाटुकारता करते हैं, मां बाप को भेज देते हैं वृद्धाश्रम। हां, ये बात जरूर है कि बहुत सारे लोग ऐसे तांत्रिक मांत्रिक यांत्रिक के चक्कर में पड़ जाते हैं जो होते नहीं, और उसकी आड़ में नाना प्रकार का उनका शोषण होता है। ऐसे लोग दुखी होके अनाप शनाप बोलते हैं, तो ये उनकी भी गलती नहीं। लेकिन जो विद्वान होते हुए, पढ़े लिखे होते हुए इस तरीके की बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसको अन्यथा मत लेना। तो हाथ को क्यों रगड़े? योगा में भी बताया जाता है, नाखूनों को बताया जाता है, हाथों को बताया जाता है। हथेली क्यों देखी जाती है? ग्रहों के स्थान है, इसमें बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। इस हाथ में बहुत रहस्य छुपा हुआ है। आज हम बताएंगे कि कौन से शब्द कहां लिखने से क्या फायदा होता है। तो शुरू करें। नमस्कार, अगर आपको व्यापार संबंधित, धन संबंधित प्रॉब्लम चल रही हो तो हाथ ऐसे करिए देना, ठीक है? और ये स्थान है, ठीक है, इस स्थान पे आपको लिख देना है धा, धा से धनुष वाला धा, और उल्टे हाथ के इस जगह लिख देना है आपको मां, ठीक है? ये बुधवार को लिखना है। और सुबह उठते ही इन उंगलियों को ऐसे मिलाइए, देखिए ऐसे, ठीक है? बाकी चार उंगली को इस तरीके मिला लेना और इसको ऐसे छोड़ देना, और ध्यान से, सिर्फ ध्यान, सांस गहरी लेते हुए अपना जो काम करते हैं, जो क्रिया है, जो आपका बिजनेस है, जो आपका आय का स्रोत है, उसका ध्यान करना। और ध्यान ऐसे करना कि जैसे आज के बाद यहाँ भीड़ खूब लग रही, मैं सामान नहीं दे पा रहा हूँ, इतनी ज़्यादा भीड़ है, खूब पैसा आ रहा। ऐसे कल्पना करना कि बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई, बहुत ज़्यादा कस्टमर रहे हैं। ये कल्पना करने के बाद एक एक उंगली को धीरे धीरे आप छोड़ते चले जाएंगे, इसको मत छोड़ना, ठीक है? अब क्या करना है, अपना हाथ ऊपर ले जाना मत्थे के पास, और ऐसे ऐसे करना, और फिर अपने चेहरे पर लगा लेना। ये बुधवार से, बुधवार करिए, आपका दुकान, आपका बिजनेस, आपका रोजगार चलेगा नहीं, दौड़ पड़ेगा। अब अगर आप रोगी हैं, दवा नहीं काम कर रही, तो अंगूठा लीजिए, यहाँ पे ठा, ठा से ठठेरा वाला ठा लिखिए, और दूसरे पर यानी दहने पे ठा लिखना, और बाएं बाएं पर आपको ता लिखना, ता से तकली वाला। फिर उसी तरीके सुबह आपको उठना है, सेम प्रोसीजर आपको करना है जैसा मैंने पहले बताया, ठीक है? आपके पति पत्नी नहीं बैठती तो आपको पहली उंगली लेना है, और इसके मध्य में लिखना है आपको, क्या लिखेंगे, वा, और ऊपर अंग की बिंदी वंग, और इसके ऊपर लिखेंगे सा, लाल पेन से, सब में लाल पेन से लिखना है, और सा के ऊपर लिखेंगे अंग की बिंदी संग, ठीक है? सेम आपको इसी तरीके मिलाना है, ठीक है? अब आपको एक एक उंगली ऐसे छोड़ना है, और जिस उंगली या अंगूठे पर लिखेंगे उसको लास्ट में छोड़ना है। अब इसमें हमने बताया ना, तो इसको लास्ट में छोड़ना है, और छोड़ने के बाद आप ऐसे करने के बाद ताली बजा देना, अपने मुंह पर फेर लेना, तो आपकी पत्नी जो देखते
शेर जैसा गुर्राती थी नॉर्मल होती चली जाएगी, इसको किसी दिन से भी चालू कर दीजिए। मध्यमा सोमवार वाले दिन से आपके शत्रु बहुत परेशान कर रहे हो तो इस उंगली को ऐसे कर लेना है और इसके बीच में आपको लिखना शत्रु दमनाए, काले पेन से लिखेंगे। इधर लिखना 5 बार ठा अंक बिंदी ठंग ठंग फट। अब इसको क्रॉस करके ऐसे रगड़ना है सुबह सुबह, बिस्तर से उठते बगैर मंजन दातून किए ऐसे रगड़ना है और शत्रु का ध्यान करना जैसे मैं उसका मुंह को चल रहा हूं। 7 दिन करके देखो, इसमें ताली वाली नहीं बजाना है, आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है। अब आते हैं अनामिका। अनामिका में अगर आपका लव का प्रॉब्लम चल रहा है तो आप पहले पे अपने दाहिने हाथ के पहले पोर पर आप लड़की का नाम लिखेंगे, दूसरे पर आप अपना लिखेंगे और बीच वाले स्थान पर आप लिखेंगे पा, पा के ऊपर अंक की बिंदी और इसके ऊपर आप लिखेंगे ला, लड़के वाले पे ला और अंक की बिंदी लंग, यानी एक तरफ अपना नाम और लंग लिखेंगे और दूसरे नाम का भी लड़की का नाम और पंग लिखेंगे, ठीक है। फिर इसको आप इस तरीके से बांधेंगे, इस तरीके से जैसे हथकड़ी बांधी जाती है, ठीक है। और इसको भी आप ध्यान सुबह उठ के बैठ के ध्यान करना है, एकदम ध्यान करना है कि वो हमारे बगैर रह नहीं पा रही, मुझसे बेहद प्यार करी, पहले से ज़्यादा प्यार करी। ऐसे करने के बाद आप थोड़ी देर रखना, रखने के बाद आप जिभ्या नहीं होती जिभ्या को 7 बार ऐसे ऐसे लगा देना, फिर पीछे ले जा करके आप इसको जोर से खोलना और दोनों कानों को ऐसे कर लेना। ये प्रयोग है, आप देखिएगा बहुत ही मजा आएगा, बहुत चमत्कारी प्रयोग है। ये आज तक वीडियो किसी ने यूट्यूब पर नहीं दी और आज मैं 8 दिसंबर 2024 को ये वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद देखना इस वीडियो की भी नकल आपके बीच जरूर होगी। धन्यवाद।